फाइनली एनडीए एग्जाम खत्म हो गया है। आज हम हैं कैप्टन एसके सिंह सर के साथ। एनडीए का इम्तिहान खत्म, अब कैसे करें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी? 40% की बजाय जो कैंडिडेट 40% वाला ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर रहा है 10 दिन, वो तो समझ में आता है। मगर जिसका 50% पेपर सही हो गया है वो भी वेट कर रहा है, तो वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन फिर उसके बाद बैठे रहने से काम चल जाएगा तो यू विल बी एट अ डेंजर साइड ऑलवेज। जब आप पहले दिन SSB में जाओगे और स्क्रीन आउट हो करके बाहर जा रहे होगे, तो आपकी जो मेहनत अभी तक की है वो उस पर पानी फेर दिया। जब तक इनकी डेट लिंक नहीं आ जाएगी ना SSB की, तब तक घर से निकलने वाले नहीं आएंगे। सर, कंफर्ट जोन वाला इंसान एनडीए ऑफिसर नहीं बनेगा, वो कभी आर्मी में ऑफिसर ही नहीं बनेगा। पहली बात तो नमस्कार एस्पिरेंट्स, 3 सितंबर खत्म हुआ, पसीना आना बंद हुआ। 3 सितंबर एनडीए 2023 का वो दिन जिस दिन मैथ्स का पेपर देख के बड़ों बड़ों की बिल्कुल धुआं छूट गया था। फाइनली एनडीए एग्जाम खत्म हो गया है। आज हम हैं कैप्टन एसके सिंह सर के साथ और बात करेंगे कि अब आगे क्या, एनडीए का इम्तिहान खत्म, अब कैसे करें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी। सर, आप SSB एक्सपर्ट हैं, एनडीए 2023 कल था 3 सितंबर को और इम्तिहान खत्म हो गया है। सर, अब व्हाट इज द प्रोसीजर, अब क्या कैंडिडेट को करना है, क्योंकि 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। UPSC हाइपर एक्टिव हो गया है, हो सकता है 15 दिन से पहले ही रिजल्ट आ जाए। अब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यूज की तैयारी कैसे की जाए? सर, पहले तो सर मैं ही आज आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी तक तो मैंने नहीं पूछा है, लेकिन चलिए ठीक है, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रिजल्ट जो रिटर्न है जी, उसका क्या पैटर्न रहा इस बार? सर, इस बार मैथ्स का पेपर वॉज वेरी वेरी हार्ड, अच्छा खासा मैथ्स का पेपर इन्होंने हार्ड कर दिया और गैट को बिल्कुल मॉडरेट पेपर रखा था, क्योंकि गैट में इंग्लिश ही आसान थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आसान थी, लेकिन हिस्ट्री टफ थी, तो मॉडरेट पेपर रखा गैट का। एनडीए का पेपर मैथ्स का हाई कर दिया, इसके चलते कट ऑफ शुड बी समवेयर अराउंड 340 to 350। पिछले बार 360 गई थी, इस बार 340 से 350 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर जितना टफ होता है कट ऑफ उतना नीचे रहता है। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने आंसर की चेक कर ली होगी, नहीं करी तो हमने वेबसाइट पे, सर जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ था, वो ही मैं कहने वाला था कि कल आप देर रात तक त्रिशूल की पूरी टीम, सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव आंसर की जो है वो आपने, एक्यूरेसी के लिए तारीफ हुई सर, मतलब नॉन त्रिशूल स्टूडेंट्स ने बहुत तारीफ की कि आपका आंसर की अच्छा था। तो अब सर, नाउ दैट मेरे को लगता है जो सीरियस कैंडिडेट है उसने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, उसने स्कोर देख लिया होगा 340 के आसपास आ रहा है, तो वो अब ही इज ऑन अ सेफ जोन, तो उसको SSB की तैयारी कैसे करनी चाहिए सर? हाँ, ये बिल्कुल, अब बिल्कुल सही बात मेरे को समझ में आई कि अगर मान लीजिए आप कट ऑफ में आ रहे हैं जी, आपको ऐसा लगता है कि आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, जी जी, एवरेज ये मेरे ख्याल से 39-40% जा रहा है। हाँ सर, 40% जा रहा है जी। 40% की बजाय जो कैंडिडेट 40% वाला ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर रहा है 10 दिन, वो तो समझ में आता है जी। मगर जिसका 50% पेपर सही हो गया है वो भी वेट कर रहा है, तो वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि इनको ये चीज़ जरूर समझनी चाहिए कि कल जब पेपर आपने दिया था तो आप अकेले नहीं थे, लाखों की संख्या में थे लोग। लेकिन जब आप एकेडमी में जाएंगे तो वो 390 लोग ही जाएंगे, तो देयर इज अ ह्यूज गैप, ओनली 3.96% मेक्स इट आउट इनटू द सिलेक्शन बोर्ड आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन। अभी तो स्क्रीनिंग की भी बारी आएगी, ठीक है। कॉलिंग रेशियो आपका 1:22 होता है जी, तो चलिए कॉलिंग तो आपका रिटर्न तो आ ही जाएगा, अगर आप 50% टच कर रहे हैं तो यू आर ऑलवेज एट अ सेफर साइड जी। लेकिन फिर उसके बाद बैठे रहने से काम चल जाएगा तो यू विल बी एट अ डेंजर साइड ऑलवेज। जब आप पहले दिन SSB में जाओगे और स्क्रीन आउट हो करके बाहर जा रहे होगे, तो आपकी जो मेहनत अभी तक की है वो उस पर पानी फेर दिया। एटलीस्ट आप यहाँ से इतना, और ये आप ये सोचें कि नहीं जी, इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स वो होंगे जो जब तक इनकी डेट लिंक नहीं आ जाएगी ना SSB की, तब तक घर से निकलने वाले नहीं आइए, कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन में, और कंफर्ट जोन में सर जितना प्यार मैं एनडीए एंट्री से करता हूँ, एक
वीडियो में मैंने कहा भी था कि बहुत छोटे हैं, मैंने कहा था सर्विस एंट्री और एनडीए दो एंट्री ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद, बहुत प्यार करते हैं आप जी, लेकिन मैं उतना ही इनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट रहना चाहता, रहता नहीं हूं जनरली मगर रहना चाहता हूं। क्यों सर? कंफर्ट जोन वाला इंसान एनडीए ऑफिसर नहीं बनेगा, वो कभी आर्मी में ऑफिसर ही नहीं बनेगा पहली बात तो, जो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन एनडीए ऑफिसर तो कभी रह ही नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल भूल जाए कि आप अपनी सुविधाओं से काम करोगे, तो फिर जब आपकी सुविधाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सुविधाएं भी अच्छी लगनी चाहिए, फिर उस दिन बुरा ना लगे जब आप स्क्रीन में आउट हो जाए, है ना। और आप ये सोच रहे हैं कि जाकर के TAT WAT सिर्फ सीख लेना या कहीं से कुछ चिपका लेना, कहीं नेट से पढ़ लेना, हो गया काम? आजकल बहुत YouTube, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, फ्री कंटेंट इतना है कि भ्रमित हो रहा है कैंडिडेट। फ्री कंटेंट ही तो खराब कर रहा है सब, अगर फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा था तो बहुत सारे, आप सारे जितने फ्री कंटेंट वाले हैं उनका व्यूज़ उठा करके देख लीजिए, अगर सारे व्यूज़ को जोड़ लेंगे तो कम से कम नहीं तो 1 करोड़ व्यूज़ तो मिल ही जाएगा, तो फिर वैकेंसी तो भाई फॉर्म तो 4 लाख लोगों ने ही भरा था, तो 1 करोड़ देखने वाला लड़का 4 लाख में भी रिकमेंड नहीं हो पा रहा, वो तो 100% होना चाहिए था, होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है, वर्किंग ऑन अ पर्सनैलिटी इट्सेल्फ इज अ चैलेंज। अगर आप मेरे व्यक्तित्व के ऊपर काम करेंगे या मैं किसी और के व्यक्तित्व के ऊपर काम करूंगा, ये एक चैलेंजेबल काम है। हो सकता है कैंडिडेट ए बहुत हद तक फिट है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बिल्कुल फिट है ना, और उसके बाद आप उस पर जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? ऑन द नेम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि फीस दी है तो तुम हमारे अनुसार लिखो। आपने सही को गलत कर दिया, वो ठीक ठाक जा रहा था, उसको छोड़ देते उस, ये हौसला चाहिए होगा कि जब कोई कैंडिडेट अच्छा दिखाई दे क्लास के अंदर तो आप उसको कह सके कि बेटा बिल्कुल जैसे हो, कुछ बदलाव नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस। और आप ये देखिए कि जितना आपके पास समय है, कि आप सिर्फ TAT WAT सीख लेंगे या PGT सीख लेंगे कहीं जा करके, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन का ये पर्पज नहीं है, सिलेक्शन का मतलब है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आप नॉलेज दिखाने के लिए सोच रहे हो क्योंकि आपको क्या लगा कि NDA, क्योंकि नॉलेज अच्छी थी तो 12th में अच्छे परसेंटेज आए, 12th में अच्छे परसेंटेज आए, नॉलेज अच्छी थी, आप रिटर्न में बहुत अच्छा ले आए, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप यही नॉलेज जाकर के आप SSB को दिखा दोगे और सिलेक्शन बोर्ड आपको जो है रिकमेंड कर देगा? ये नहीं है, सिलेक्शन बोर्ड नॉलेज में कभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आप सब नॉलेजेबल यंगस्टर्स हो। 17 साल का यंगस्टर अगर UPSC का रिजल्ट निकाल, रिटर्न निकाल के आ रहा है, UPSC इज द हाईएस्ट एग्जामिनिंग बॉडी इन इंडिया, सबसे बड़ी, वहीं से सिविल सर्विसेज वाले भी रिटर्न निकाल रहे हैं जी, वहीं से आपका CDS वाला भी निकाल रहा है, वहीं से CAPF वाला भी निकाल रहा है, वहीं से NDA वाला भी निकाल रहा है। इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विसेज NDA वाला बहुत छोटा, बिल्कुल इनोसेंट, आधी उम्र का, ठीक है, और सिविल सर्वेंट से कम उम्र का CDS का कैंडिडेट होता है जी। ये दोनों वो कैंडिडेट है जो कंपैरेटिवली UPSC में कम उम्र के साथ अपनी नॉलेज दिखा करके आए हैं, तो फिर आपकी नॉलेज के ऊपर किसको डाउट होगा? हिंदुस्तान में किसी को डाउट नहीं। अब सिलेक्शन बोर्ड ये कहता है कि ये जो नॉलेजेबल यंगस्टर्स आ रहे हैं, इनमें से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म पहन करके खड़े होने वाला वो यंग कमीशन्ड ऑफिसर कौन बन सकता है जी, है ना। दे आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल कैंडिडेट जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो लोगों को लीड कर सके। दे आर लुकिंग फॉर वन ऑफिसर नाउ, नॉलेजेबल नहीं ढूंढ रहे, नॉलेज है आपके पास तभी आप सिलेक्शन बोर्ड में आए हो, है ना। वो सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जिसको ट्रेनिंग के दौरान शेप करके अच्छा ऑफिसर बना करके ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सके जी। ये ओवरऑल कैंडिडेट्स को अपने ऊपर क्या होमवर्क करना चाहिए? अभी 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर लैंग्वेज, योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दें ये लोग कि अगर आप
भाषा से कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल का मतलब ये लोग समझते क्या है, सिर्फ इंग्लिश। और फिर दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ जी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, दिस इज नॉट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, दिस शुड बी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स एक पार्ट होता है। ठीक है, आप स्पोकन इंग्लिश बाहर किसी और चीज़ के लिए चला लीजिए, फौज की एंट्री सिलेक्शन बोर्ड के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है और इंटरपर्सनल स्किल्स सुधारी जाती है, ना कि अंग्रेजी सुधारी जाती है। ठीक है सर। तो दे शुड बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश विद लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ जाइएगा। भाषा के प्रति सहजता और अंग्रेजी आना, दोनों में बहुत फर्क है। आप स्ट्रेस्ड इंग्लिश बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो सिर्फ, मगर वो किसी काम की नहीं है सिलेक्शन बोर्ड के। सो यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद योर लैंग्वेज, पहली चीज है जी, है ना। दूसरी, यू मस्ट बी गुड विद योर आईक्यू लेवल, योर ओआईआर शुड बी गुड इनफ, योर टैक्टिस, योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस मस्ट बी वेरी गुड। समझा, एटलीस्ट अ कैंडिडेट शुड हैव दैट मच ऑफ आईक्यू लेवल, सो दैट द इंडिविजुअल कैन हैंडल moderate level problems with his intelligence or her intelligence, इतना तो होना चाहिए आपके पास। ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी general awareness, जीके भारत का भूगोल ये पढ़ते हुए आए हो नंबर पास करने के लिए, अभी awareness की बात आ रही है। ठीक है, कि वहां पर क्या हो रहा है, what is India's foreign policy now, जी है ना जी, how much it is changed than previous one जी, what are the advantages and what are the challenges, जियोपॉलिटिकल अब जो न्यूज है, न्यूज है जी। फिर आप अवेयरनेस के बाद आपकी आती है हेल्थ, पढ़ाई इतना करके आए हैं, एनडीए पास करके आए हैं, इनसे पूछिए हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट एज अ यंगस्टर, सर ज्यादा तो कुछ नहीं करते हैं। अरे ज्यादा कुछ नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, किसी ने रोक लिया था? एंड यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, सही बात है, है ना, सही बात। तो अपने ऊपर काम करना, काम करना जरूरी है, जरूरी है। तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों पर बेहतर काम करना चाहिए। पांचवी चीज है योर लाइवलीनेस, जिंदा दिल, खुश मिजाज इंसान, जिसको हार और जीत का डर नहीं होता है, उसको छोटा सा स्कोप दिखता है ना तो वो कहता है कि अच्छा जी इसमें से भी कर लेंगे, है ना। इसमें मैं एक बहुत लाइट सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने वो मूवी देखी होगी और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी, अक्षय कुमार की एक मूवी थी बेबी, एक ऑपरेशन का नाम रखा गया था उसमें। तो वहाँ एक चीज़ वो कहा जाता है कि हाउ मच श्योर यू आर, कितना परसेंट है ना, वो कहता है ओनली 1%। सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उसको इतना सा स्कोप दिखेगा वो काम कर ले जाएगा, दिस इज लाइवलीनेस। ये नहीं कि अपनी सहूलियत में काम कर रहा है, जो अपने एडवर्स सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से काम करना है, क्या कॉन्फिडेंस दिखाना है, कैसे बाउंस बैक करना है, वो है लाइवलीनेस सही मायने में। तो ये पांच चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए और किसी यंगस्टर में ये अच्छी दिखती हैं तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो इन पांच चीज़ों को आप अपने 21 दिन के मॉड्यूल में, हाँ बिल्कुल सर, इम्बाइब कर चुके हैं या आप चेक करते रहते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, अभी इम्बाइब हो चुका है सर वो, और जो प्रोग्राम है वो, इसमें मैं आई विल अप्रिशिएट कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, जिन्होंने बहुत बहुत क्वेश्चन मार्क लगा लगा करके उसको और बारीकी से क्लैरिफाई किया उस चीज़ को, और तब ये जो कोर्स है वो लॉन्च किया। ये हम लोग बहुत कर दिया आपने। हम शायद 2-3 महीने से सोच रहे थे, 3 महीने से, मगर 3 महीने से सिर्फ ये वर्कआउट करने में चला गया कि किस तरीके से और इफेक्टिव बनाया जाए। तो जितना भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जितनी चीज़ें थी, पर्सनैलिटी फैक्टर्स किस तरीके से इम्प्रूव किए जाते हैं, कैसे असेस किए जाते हैं, या और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, सेल्फ ट्रेनिंग किस तरीके से ये बच्चे आदत डालें अपने अंदर, वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर ऐड किए हैं थ्रू वेरियस। तभी आपने 14 दिन से 21 दिन कर लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स, जैसे कि सर ने 5 फैक्टर्स आपको बोले हैं, ये 5 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी फैक्टर्स हैं आपको, आपकी ग्रोथ के लिए। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी विथ कर्नल पंकज मल्होत्रा विथ कैप्टन एस के सिंह सर 21 दिन का कोर्स लेके आया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अब NDA 2023 की SSB देखने जाएंगे। 15 दिन में सिलेक्शन और रिजेक्शन आपको पता चल जाएगा। ये 15 दिन बहुत ज़रूरी हैं
आप डिसाइड करें एक बार आंसर की मैच करें, और अगर आप सेफ स्कोर में हैं तो तुरंत, अब तो निकलना चाहिए सर इन्हें, अब अपने कंफर्ट जोन में बैठ नहीं सकते आप। अगर यहाँ से सही में ऑफिसर बनना है तो फिर आपको यहीं से निकलना पड़ेगा घर से, वो नए चैलेंजेस विद वन विक्ट्री यू ऑलवेज हैव अ वन चैलेंज। सर चंद्रयान 3 पहुंच गया, वो सेटिस्फैक्शन हो सकता था दुनिया में किसी ने नहीं किया, मगर चंद्रयान 3 के पहुंचते ही नया चैलेंज आदित्य L1। यस सर, है ना। True. तो जो जीतने वाले और जो जुझारू लोग होते हैं ना, जिन्हें कुछ लाइफ में कुछ करना है, वो हर जीत के साथ एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी अभी नया कुछ आगे क्या करना, व्हाट नेक्स्ट। तो एनडीए रिटर्न के बाद अब नेक्स्ट इज SSB, और अदरवाइज सिर्फ एग्जामिनेशन देने गए थे तो भाई एग्जामिनेशन के ठीक एक दिन पहले दो दिन पहले भी जाग गए तो ठीक है, अब एग्जाम ही देने जा रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर यहीं से मेहनत बनती है। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। इसी के साथ मैं अभिनव मेहरोत्रा एंड कैप्टन एस के सिंह सर आप लोगों की इजाज़त लेते हैं। एस्पिरेंट्स, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप 21 दिन के SSB प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हैं और एनरोलमेंट हेतु व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम सारे एस्पिरेंट्स को एक जगह पे SSB डॉर्मेट्री में रखेंगे ताकि इवनिंग मॉड्यूल और नाइट मॉड्यूल भी उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपको बहुत ही अच्छा माहौल मिलने वाला है, पूरे देश से स्टूडेंट्स आएंगे और आपस में कॉम्पीट करेंगे। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।